गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम क्लास फिफ्थ में मैथ्स का चैप्टर नंबर 3 फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स के आपको आगे के क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे। कल हमने आपको रिवाइज एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 होमवर्क में दिए थे। उम्मीद है आपने इन्हें अपनी नोटबुक में कर लिया होगा। आज उसी चैप्टर को आगे बढ़ाते हुए हम आपको क्वेश्चन नंबर 4 फाइंड द HCF ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स के क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे। ये क्वेश्चंस हम आपको पहले भी करा चुके हैं, ऐसे ही प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से आपको HCF निकालना है। HCF यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। एक बार फिर हम आपको बता देते हैं क्वेश्चन नंबर 4, सभी बच्चे ध्यान देंगे। फर्स्ट है हमारा 13 और 169 का हमें HCF निकालना है, 13 का और 169 का। बच्चों प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से हम आपको पहले भी बता चुके हैं, बड़ा ही आसान तरीका है। सबसे पहले हम 13 के फैक्टर्स निकाल लेंगे। तो 13 किसकी टेबल में आते हैं, हम सबसे पहले वो टेबल लेंगे। तो 13 एक ऐसा नंबर है जो सिर्फ वन की में और अपनी ही टेबल में आता है, तो यह जाएगा 13 में। 13 वन जा 13, यहाँ हम 13 के फैक्टर्स लिख लेंगे। 13 का फैक्टर हुआ खुद 13। अब हम 169 के फैक्टर्स निकालेंगे। तो 169 किसकी टेबल में जाता है, हम इसे देखेंगे। तो 169 13 की टेबल में जाता है, 13 की टेबल में 13 पे आता है 169। और ऐसे ही 13 वन जा 13, यानी कि 169 के फैक्टर हुए 13 इंटू 13। अब हम क्या करते हैं, जो डिजिट दोनों नंबर में कॉमन होती है HCF, जो सबसे बड़ी डिजिट दोनों नंबर में कॉमन होती है, वही हमारा HCF होता है। हाईएस्ट यानी सबसे बड़ी, कॉमन यानी जो दोनों नंबर में हो या ज़्यादा नंबर में हो, और फैक्टर्स ही हैं, तो इसलिए हमारा इसका आंसर हुआ 13, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ऐसा नंबर जो दोनों डिजिट में आता हो और जो कि बाकी डिजिट से बड़ा भी हो। ये आते हैं ना आपको क्वेश्चन, हम आपको पहले भी करा चुके हैं प्राइम फैक्टर मेथड से HCF निकालना। क्वेश्चन नंबर बी है हमारा 16 एंड 144, 16 का और 144 का हमें HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है। सबसे पहले हम 16 के फैक्टर्स निकाल लेंगे, ये 2 की टेबल से चला जाएगा। 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, आगे भी 2 से चला जाएगा 2 की टेबल में, 2 2 जा 4 और 2 1 जा 2। तो अब यहाँ पे हम 16 के फैक्टर्स लिख लेते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 4 बार 2 था, हमने यहाँ पे इसके फैक्टर्स लिख लिए। अब हम लिखेंगे 144 के फैक्टर्स, तो ये भी हमारा 2 की टेबल से चले जाएगा। 2 14 और 2 72 पे आया 144, ये भी चला जाएगा 2 की टेबल में। 2 2 3 6 और 2 6 36 पे गया, ये भी चला जाएगा। 2 1 जा 2 8 जा 18, 2 9 जा 18 और 3 3 जा फिर 3 1 जा। तो यानी कि 144 के फैक्टर्स हुए 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू में 3 इंटू 3। अब हम देखेंगे कि इन दोनों में 2 जो है बार बार कॉमन है, 4 बार है, तो हम एक एक पेयर ले लेंगे। हमने 3 क्यों नहीं लिया, क्योंकि 3 से 144 में आता है, ये कॉमन फैक्टर में नहीं है, इसलिए हमने यहाँ पे 2 लिखा है। अब ये 4 बार है, अब इन्हें हम मल्टीप्लाई करेंगे। 2 2 जा 4, अब 4 को 2 से किया, 4 2 जा 8, अब 8 को हमने 2 से किया, 8 2 जा 16, तो हमारा HCF क्या आया, 16। आया बच्चों आपको समझ में कि हम प्राइम फैक्टर मेथड से HCF कैसे निकालते हैं। ये क्वेश्चंस इस तरह के हम आपको पहले भी करा चुके हैं। तो ये जो बाकी के जो आज की क्लास के लिए इतना ही है, बाकी के जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 का सी डी ई और एफ, ये आपको खुद से अपनी नोटबुक में करने हैं। तो आज का होमवर्क है, डू क्वेश्चन नंबर 4 सी डी ई एंड एफ बाय योरसेल्फ। सी यू टुमारो, थैंक यू।